हेलो फेलास, वेलकम टू अटायरेशन। तो आज हम टेकपैक बनाना सीखेंगे, और इससे पहले ये कि ये क्या बला है, तो आइए शुरू करते हैं। टेकपैक का पूरा नाम है टेक्निकल पैकेज। ये आपके गारमेंट का या कहूँ आपके प्रोडक्ट का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट होता है, जिसकी मदद से आप सही तरीके से उस प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ये मेनली इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जाता है, पर इसका स्मॉल स्केल पे भी काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। तो टेकपैक कुछ इस तरह के दिखते हैं, और हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये पर्टिकुलरली गारमेंट्स के टेकपैक हैं, पर इसी तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के उनके अकॉर्डिंग टेकपैक क्रिएट करे जाते हैं। तो यहाँ शर्ट्स और बॉटम में फर्क होगा, और दो अलग तरह के सेम प्रोडक्ट में भी। अब देखते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है। मैंने एक गारमेंट लोड किया है, जिसके कुछ पार्ट को हम टेकपैक में इन्वॉल्व करेंगे। हमारी 2D विंडो में एक टूल दिया हुआ है, 0.2 मेजर। इस टूल की मदद से आप अपने टेकपैक को क्रिएट कर सकते हैं। इस टूल का यूज किसी नॉर्मल पॉलीगन टूल के जैसा ही है, जो हम यहाँ यूज करते हैं। बस इतना फर्क है कि आप यहाँ एक गारमेंट से दूसरे गारमेंट पे जंप कर सकते हैं, और ये आपके गारमेंट की लेंथ को मेजर करेगा। तो फिलहाल हम चेस्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं, और वो भी केवल फ्रंट पार्ट। तो क्लिक करते जाइए और अपनी लाइन को क्रिएट करें, और जब आपकी मेजरमेंट पूरी हो गई हो तो लास्ट में डबल क्लिक करें, जिससे ये मेजरमेंट वहीं रुक जाएगी, और आपको कुछ इस तरीके की येलो लाइन दिखाई देने लगेगी, जो बताएगी कि आपकी एक्चुअल मेजरमेंट कितनी आई है। इसी तरह से हम अपने गारमेंट की वेस्ट भी मेजर करेंगे, पर इस बार हम राउंड वेस्ट लेंगे, ना कि हाफ मेजरमेंट। तो अपनी वेस्ट की सारी लाइंस को सिलेक्ट करें और इसकी मेजरमेंट लें। हमने ऑलरेडी दो मेजरमेंट्स ले लिए हैं, पर ये रिकॉर्ड कहाँ हो रही है, आपने नोटिस किया? यहाँ साइड में एक विंडो ओपन हुई थी हमारे फैब्रिक की जगह, जिसका नाम है POM। यहाँ ऑलरेडी हमारी दो मेजरमेंट्स आ चुकी हैं। 0.2 मेजर के जस्ट नेक्स्ट में हमारा इसका एडिट टूल अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम अपने पॉइंट्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी पुरानी मेजरमेंट की लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हमारे POM में भी उसकी मेजरमेंट एक्टिव हो जाएगी, और इसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेजरमेंट किसकी है, और साथ ही आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेक में अगर सभी नाम एक जैसे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेजरमेंट कहाँ की है। तो हम इसे रीनेम कर लेते हैं और बाकी की मेजरमेंट भी ले लेते हैं। हमने यहाँ काफी सारी मेजरमेंट्स ले ली हैं, पर आप चाहे तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो मेजरमेंट लेना चाहते हैं वो आप आराम से ले सकते हैं। जब ये सारी मेजरमेंट पूरी हो जाएंगी, तो हमें यहाँ साइड में एक ऑप्शन मिला हुआ है POM के, जो है सेव। तो इसका यूज करें और अपनी फाइल को अपने डिजायर्ड लोकेशन पे सेव कर लें। ये फाइल एक्सेल फॉर्म में सेव हो जाती है, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। आप चाहे तो इसी एक्सेल फाइल को मॉडिफाई करके एक प्रोफेशनल टेकपैक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने सैंपल टेकपैक फोल्डर में डाल सकते हैं, जिससे ये आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। आप सभी को दिखाने के लिए मैंने ये टेकपैक रेडी किया है, जिसमें मैंने इमेजेस भी ऐड करी हैं, जिससे ये और प्रोफेशनल लगे। इसी तरीके से आप ट्राउजर्स, जैकेट्स और कई सारी चीजों के टेकपैक क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। उम्मीद है आज की क्लास में आप सभी को मजा आया होगा, और अगर हाँ तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी। और केवल सब्सक्राइब नहीं, यहाँ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारी हर नई अपडेट की जानकारी मिलती रहे, और आप फ्यूचर में कोई भी टिप, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स को ना मिस करें। अगले मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी पुरानी वीडियोस को देखते रहिए और कुछ नया बनाते रहिए। बाय।